बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिशावर सब्ज़ी मंडी में आपको खुश आमदेद कहते हैं टमाटर के सेक्शन में। और आज हफ्ते का दिन है, 4 मई सन 2024 है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जो लाड़काने के टमाटर हैं उसके हवाले से बात करते हैं। कमज़ोर टमाटर जो हैं वो 650 से लेकर 700 रुपये तक फ़रोख्त हुए हैं, और कुछ इसमें साकरा टमाटर भी हैं। और इसके अलावा जो अच्छे लाल टमाटर हैं वो तकरीबन 800 से लेकर 850 रुपये तक फरोख्त हुए हैं। कुछ लॉट्स के बारे में बताया गया है कि 1000 तक भी फरोख्त हुए हैं। इसके अलावा जो शेल में आ रहे हैं कुछ टमाटर, वो तकरीबन 1000 से लेकर 1050 और 1100 रुपये तक फरोख्त हुए हैं। वज़न उसका तकरीबन पेटी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1 किलो तकरीबन हो सकता है, कुछ 17 किलो कोई बता रहा है। और पेटी का जो वज़न होता है वो 13, 14, 15 किलो तक का वज़न होता है। ये थी जी पिशावर सब्ज़ी मंडी की एक छोटी सी रिपोर्ट, एक आपको बता दी है। अभी इंशाल्लाह चलते हैं आलू के सेक्शन में। और एक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हफ्ते का दिन है और 4 मई सन 2024 है। पिशावर सब्ज़ी मंडी आलू के सेक्शन में मौजूद हूँ और आज सब्ज़ी की तो अपडेट्स देंगे। कुछ दोस्त मैसेज कर रहे हैं, किसी ने कारोबार शुरू की है सब्ज़ी का नया नया, और किसी ने शुरू करना है कारोबार। आजकल हालात ही ऐसे हैं कि लोग सब्ज़ी के हवाले से पूछ रहे हैं, बल्कि कारोबार के हवाले से। इंशाल्लाह सबको अपडेट्स दी जाएंगी। ये सामने ये लोडिंग हो रही है, एक ट्रेला है जिसमें बोरी है, जिसमें मोजीका भी है। और एक दोस्त का मैसेज आया कि मोजीका स्टोर वाला आ रहा है या नहीं। स्टोर की गाड़ियां काफ़ी अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी हैं, जिसमें इसमें जाली में है। और इसी तरह आज की बोरियों में भी आपने शुरू में वीडियो में देख लिया है कि वो एक्सट्रैक्ट से और ऐसे मुख्तलिफ आलू आ रहे हैं। तो अब देखते हैं आज के रेट्स के हवाले से भी आपको अपडेट्स देते हैं। और काफ़ी बाज़ दोस्त कहते हैं कि सब्ज़ी के और सब्ज़ी दीगर सब्ज़ियों के बारे में भी आप वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे साथ साथ। असल में हमारा अपना भी कुछ काम इधर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वीडियो कितने दिन हो चुके हैं नहीं बनाया। तो आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। आज की वीडियो के हवाले से आपको बताएँगे कि आज जो इसमें की जाली है स्टोर की, आज जो फ़रोख्त हुआ है 50 से 55 किलो के दरमियान में जो जाली है वो 4000 से लेकर 4500 रुपए के दरमियान में फ़रोख्त हुए हैं। इसके अलावा अगर मोजीकी की बात की जाए, मोजीके में तकरीबन 40 किलो भी आ रहा है, और 45 किलो भी है, 50 किलो भी है, 51-52 और 56-57 किलो की भी मुख्तलिफ रेट्स हैं। वज़न भी मुख्तलिफ हैं और रेट्स भी मुख्तलिफ हैं। यानी कम वज़न 2200-2250 से लेकर फ़रोख्त हुआ है तकरीबन 2600 रुपये तक फ़रोख्त हुआ है। इसके अलावा जो अच्छे राशन आलू थे वो तकरीबन 27, 28, 29 और 3000 रुपये की भी आवाज़ सुनी गई है कि अच्छे आलू जो हैं वो 3000 रुपये तक भी, वो बड़ा वज़न है, वो फ़रोख्त होते हैं। इसके अलावा अगर नए आलू की तरफ आ जाते हैं तो आज एक चंद लॉट्स नए आलू की भी थे, जिसका वज़न 40 से 45 किलो का वज़न था तोड़े में, तो वो फ़रोख्त हो रहा था 4400 रुपये में। बोरी में नए आलू आज जो फ़रोख्त हुए हैं वो वज़न उसका 100 किलो हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है कुछ, और फ़रोख्त हुए 10000 से लेकर 10500 रुपये तक फ़रोख्त होता है। और इसके अलावा जो अगर स्टोर की बात की जाए तो स्टोर के आलू जो फ़रोख्त हुए हैं 110 kg के तकरीबन, वो फ़रोख्त हुए हैं 8400 रुपये में। कुछ अच्छे लॉट्स थे जो वो फ़रोख्त हुए हैं 9100 रुपये तक। और इसके अलावा जो अगर मोजीके की बात की जाए तो मोजीका भी अच्छा, VIP मोजीका जो होता है वो 6200 रुपये 300-400 तक भी फ़रोख्त हो सकता है, एक आध लाट ऊपर भी फ़रोख्त हो सकता है।
इसके अलावा जो सेंटे की बात की जाए तो सेंटा आज नहीं था ज़्यादातर मार्केट में, पर एक गाड़ी थी और सुना गया है कि वो भी 7,200 रुपये, 7 से लेकर 7,200 रुपये के दरमियान में फरोख्त हुआ है। ये थी जी पेशावर सब्ज़ी मंडी आलू के सेक्शन की एक छोटी सी रिपोर्ट, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। और आपको इंशाल्लाह कारोबार के हवाले से भी बताया जाएगा, काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि कारोबार आलू का शुरू करने वाले हैं या करते हैं, तो उसके हवाले से आप कुछ मशवरा दें तो इंशाल्लाह आपको जल्द मशवरे दिए जाएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें आपको अपडेट्स दिए जाएंगे, कारोबार के हवाले से भी दिए जाएंगे और आपको जल्द से जल्द इंशाल्लाह रेट्स के हवाले से भी बताया जाएगा।